नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने जा रही है। ऐसे में 7 साल बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बुधवार को भारत पहुंचे। इस मौके पर रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने पाकिस्तानी कलाकारों को सपोर्ट किया। उन्होंने ट्विटर पर सवाल किया कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों को भी भारत में मौका मिलेगा। उन्होंने ट्विटर पर रिएक्ट करते हुए लिखा, अब जब पाकिस्तानी क्रिकेटर आधिकारिक तौर पर यहाँ आ गए हैं तो क्या हम पाकिस्तानी एक्टर्स को भी अपनी फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं? क्या वहाँ के सिंगर्स या कंपोजर्स भारत आकर परफॉर्म करेंगे? दरअसल राहुल ढोलकिया शाहरुख खान और माहिरा खान स्टार रईस के डायरेक्टर थे। यह फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के जरिए माहिरा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन 2016 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन कर दिया गया। ऐसे में माहिरा को उस फिल्म का प्रमोशन करने का मौका नहीं मिला। रईस की रिलीज के दौरान माहिरा फिल्म का प्रमोशन नहीं कर सकी। तब राहुल ने ट्विटर पर उनके लिए खास मैसेज शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने माहिरा के साथ गलत किया है। हमारे लोग भूल गए हैं कि वह एक कलाकार है, दुश्मन नहीं। हमने उनका अधिकार छीन लिया, हमने उनके साथ गलत किया। माहिरा खान, आप शानदार हैं और रईस का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।